हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट. अब व्हाट इज फॉर्मेटिंग? वेल, देयर इज टू थिंग्स. फर्स्ट इज एडिटिंग एंड सेकेंड इज फॉर्मेटिंग. एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. वेल, एडिटिंग वी हैव डन इन द लास्ट चैप्टर. लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था कि किस तरह से वी कैन ऐड डेटा, वी कैन ऐड टेक्स्ट इन द पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर पेज. किसी भी पेज में, किसी भी वर्ड विंडो में हम किस तरह से एक्स्ट्रा टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, किसी सेंटेंस के बीच में ऐड करते हैं, कट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, या हम उसको ओवर टाइप मोड, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक टेक्स्ट को दूसरे से रिप्लेस करते हैं, ये सारा करेंगे हम किसके अंदर? एडिटिंग के अंदर. नाउ सेकेंड इज फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग में हम लोग टेक्स्ट के अंदर उसमें कलरिंग्स करते हैं, कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का, उसका साइज चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हम सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग इसमें स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं. अब स्टाइल और साइज कैसे होगा, देखो, एक ए आप ऐसे लिख रहे हैं, सिंपल ए ऐसे, और एक आप लिख रहे हैं इस तरह से, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसका स्टाइल अलग है और इसका स्टाइल अलग है. ठीक है, सेकेंड थिंग, एक चीज आप लिख रहे हैं इतना और सेकेंड आप लिख रहे हैं इतना, तो ये हो गया स्टाइल चेंज करना एंड दिस इज साइज चेंज करना, कि ये हमारा छोटा था और इसका साइज हमने चेंज कर दिया. सेकेंड चीज आती है कि किस तरह से हम इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं. अब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है? देखो, एक है सिंपल ए और एक है आपने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया. ठीक है, तो यू कैन सी द डिफरेंस कि इसमें और इसमें आप चेंज देख सकते हैं. ये थोड़ा सा लाइट में आ जाएगा और ये आ जाएगा डार्क में, हमने इसको डार्क कर दिया, तो ये है हमारा बोल्ड. ऐसे ही जो भी टेक्स्ट हम वर्ड विंडो में लिख रहे हैं उस टेक्स्ट में भी ऐसे होगा, सिंपल लिख रहे हैं और उसको हम बोल्ड में करेंगे. सेकेंड थिंग है कि आपने लिखा एक आई और एक आप आई लिख रहे हैं इस तरह से, इन दोनों में डिफरेंस है, ये है सिंपल आई एंड दिस इज इटैलिक. इटैलिक में हमने क्या किया, कोई एक चीज है इसको थोड़ा सा स्लैंट कर दिया. ठीक है, दिस इज इटैलिक. एंड थर्ड इज अंडरलाइन. अंडरलाइन कैसे होगा, कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे आपने उसके अंडरलाइन करना है. ये सब कहलाते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, और ये पूरा कहलाता है फॉर्मेटिंग. किस तरह से हम लोग उसके अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं, ये पूरा जो वर्क है कि स्टाइल चेंज करना, साइज चेंज करना, उसका बोल्ड, इटैलिक कर देना, कलर लगा देना, हाईलाइट कर देना टेक्स्ट को, दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिंग. ठीक है, वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो इन दिस वीडियो. नाउ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट को अपने वर्ड एरिया पे प्लेस करते हैं. प्लेस करना कैसे होता है, देखो, सपोज ये हमारा है वर्ड विंडो. ठीक है, ये वर्ड विंडो है हमारा. अब हमारा जो कर्सर, इतना हमको पता है कि जहां पे हमारा कर्सर होगा वहीं से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा. ठीक है, कर्सर को यानी टेक्स्ट को अपने स्क्रीन पे कहां पे प्लेस करना है हमको, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. पोजीशनिंग, सेट द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. अलाइनमेंट होते हैं 4 टाइप्स के, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड. लेफ्ट क्या होता है, जब भी हम कुछ लिखेंगे तो कर्सर लेफ्ट साइड से आएगा, लेफ्ट में हमारा कर्सर होगा, जो भी हम लिखेंगे वो यहां से आएगा. सेकेंड इज राइट. राइट करते ही जो हमारा कर्सर है वो यहां पे राइट में आ जाएगा, राइट से जो भी हम लिखेंगे फिर वो इस तरह से लिखता हुआ आएगा. सेंटर का मतलब है कि हमारा कर्सर सेंटर पे आ जाएगा, पेज के सेंटर पे आ जाएगा, और वहां से हम जो भी लिखेंगे वो यहां से कैसे लिखता हुआ आएगा. और जस्टिफाई का मतलब है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो यहां से और यहां से इक्वल पोजीशन पे होगा, इक्वल मार्जिन पे होगा. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर टॉपिक, वॉट वी विल डू टूडे एंड द प्रैक्टिकल ऑफ ऑल दिस वर्क वी विल डू इन दिस वीडियो. सो नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल. ओके, सो वेयर हेयर वी आर ऑन द वर्ड पेज. ये हमारा वर्ड पेज है.
ठीक है, यहाँ पे एज वी हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर कि इस पेज पे हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, वर्ड में हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट दिस एरिया, ये वाला एरिया कहलाता है हमारा रिबन, दिस एरिया इज कॉल्ड रिबन एरिया। फर्स्ट दिस बार इज कॉल्ड टाइटल बार, नेक्स्ट आफ्टर टाइटल बार इट इज कॉल्ड मेन्यू बार, जहां पे सारे ये मेन्यूज हमें शो होते हैं। आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड रिबन, ये हमारा रिबन एरिया है, ठीक है। इस रिबन एरिया में हमारे पास सेक्शंस हैं, ये हमारे सेक्शंस हैं, एज यू कैन सी हियर, दिस इज वन सेक्शन, दिस इज सेकेंड सेक्शन, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। और इन सभी सेक्शंस में नेम भी है, जैसे फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड क्लिप बोर्ड सेक्शन, ये कहलाता है हमारा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड से हम लोग ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं क्लिप बोर्ड के अंदर, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, ये सारे काम हम लोग क्लिप बोर्ड के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फॉन्ट के ऊपर, ये वाला एरिया है हमारा फॉन्ट का, ये वाला एरिया है हमारा फॉन्ट का। यहां से हम लोग फॉन्ट के ऊपर वर्क करेंगे, जैसे फॉन्ट का कुछ चेंज करना है। अब सबसे पहले बात आती है कि फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट एक्चुअली कोई भी वर्क है, जैसे हमने ये वर्क कर रहे हैं, इसमें ये सारे जो कैरेक्टर्स है दीज आर कॉल्ड फॉन्ट, की के ई वाई बी ओ, ये सारे क्या है हमारे फॉन्ट है, ठीक है। अब यहां से हम लोग वर्क करेंगे कि हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, यहां से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहां से हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि ये जो फॉन्ट्स हम लिख रहे हैं, जो ये वर्क हम कर रहे हैं, इसका हम लोग किस तरह से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अभी आपको ये नॉर्मल में दिख रहा है, हम यहां से इसमें चेंज करके देखेंगे कि किस किस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट वी विल डिस्कस अबाउट लेटर, लेकिन ये जो सारा काम है ये हमारा फॉन्ट ग्रुप के अंदर करना है, ठीक है। कलरिंग करनी है, हाईलाइट करना है, इनके केसेस चेंज करने हैं, जो भी हम करेंगे वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर करेंगे। आफ्टर दैट दिस इज अ पैराग्राफ ग्रुप, ये है हमारा थर्ड पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ के अंदर की हम लोग पैराग्राफ कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको अलाइन कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट होता है कि किस तरह से हम टेक्स्ट को अपने पेज के ऊपर सेट करते हैं, कि हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं या राइट साइड से करते हैं, सेंटर से करते हैं या दोनों साइड से इक्वल पोजीशन में करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पैराग्राफ से सेट करेंगे। इसके अलावा हम सेट करते हैं कि किस तरह से हम लाइंस में स्पेस देते हैं, यहां से ये जो एरिया है इससे हम लोग लाइन में स्पेस ऐड करेंगे। इंडेंटेशन क्या होता है, लिस्ट कैसे बनती है, वो सब हम पैराग्राफ ग्रुप से करेंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन अ प्रैक्टिकल मैनर ऑल्सो इन अ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टाइल्स के ऊपर। स्टाइल्स मतलब होता है कि हम किस तरह से वर्क का स्टाइल चेंज करते हैं एक साथ। देखो यहां से तो क्या होता है फॉन्ट ग्रुप से कि हम अलग अलग सारी चीजें करते हैं, स्टाइल अलग से चेंज करते हैं, साइज अलग से चेंज करते हैं, कलरिंग अलग से करते हैं, हाईलाइट अलग से करते हैं, लेकिन जो ये स्टाइल यहां से हम लोग इजीली इसमें चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से हम स्टाइल्स लगाते हैं, कि एक साथ बस हमें क्लिक करने की देर है और क्लिक करते ही हमारा पूरा कलर भी चेंज हो जाता है, हाईलाइट भी हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाएगा, स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक क्लिक में होगा, और फॉन्ट ग्रुप से हमें सब कुछ अलग अलग करके करना होगा, और स्टाइल ग्रुप में हम लोग इजिली उसमें सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। आफ्टर दैट दिस इज एडिटिंग ग्रुप, लास्ट हमारा ग्रुप होता है ये एडिटिंग का। इसमें हमें अगर पैराग्राफ में कुछ वर्ड फाइंड करना है या एक वर्ड फाइंड करके कुछ जैसे सपोज करो हमारा 5-3 पेजेस का एक वर्क है, ठीक है, उस 5 पेजेस में हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है। उस वर्ड को सर्च करने के लिए अब हम एक एक लाइन को रीड करेंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। टाइम को सेव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है फाइंड का, जस्ट हमें फाइंड पे क्लिक करके वर्ड को सर्च कर सकते हैं, और उस वर्ड को अगर किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है तो हम ये रिप्लेस से करते हैं। सो दिस इज द रिबन एरिया। रिबन एरिया में हमने कितने ग्रुप्स पढ़े हैं,
होम टैब के अंदर, ये अभी सिर्फ है होम टैब के अंदर, अभी हम है होम टैब के अंदर। नॉर्मली हम लोग वर्क करेंगे होम टैब के अंदर एंड बाय डिफॉल्ट होम टैब ही ओपन होता है। तो होम टैब में कितने ग्रुप्स हो गए, फर्स्ट क्लिपबोर्ड, सेकंड फॉन्ट, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ स्टाइल एंड फिफ्थ इज एडिटिंग। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रुप्स। नाउ कम टू द वर्क कि किस तरह से हम इसमें सबसे पहले फॉन्ट चेंज करेंगे। देखो अभी जो हम फॉन्ट पे वर्क कर रहे हैं, जो हम अभी वर्क कर रहे हैं ना, ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड में जो फॉन्ट स्टाइल सेट है वो है कैलिब्री, और जो फॉन्ट का साइज सेट है वो होता है यहाँ पे 11। यहाँ पे मैंने इसमें अभी 16 किया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है 11। कैसे करते हैं इसको चेंज, देखो सबसे पहले हमें जिसका भी चेंज करना है उसे सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कैसे करना है वो हम कर चुके हैं, तो सिलेक्ट हम करेंगे इसको इस तरह से, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतने ही में ही चेंजेस होंगे। ठीक है, तो अगर हमें अब यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर इस वाले ऑप्शन में, और अगर हमको चेंज करना है इसका साइज, बड़ा या छोटा करना है, तो हम करेंगे इस वाले से अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो स्टाइल चेंज करने के लिए ये हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखो ये कितने सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखिएगा, अभी ये कैलिब्री पे सेट है। ठीक है, इसके अलावा देखो कैम्ब्रिया, ये देखो आप देखेंगे चेंजेस अपने आप हो रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में अपने आप चेंजेस हो रहे हैं। सी देखिए चेंज होते जा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी हम क्लिक करेंगे। अभी मैं क्लिक नहीं कर रही, सिर्फ हमें क्लिक करना है। जैसे देखो अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इस स्टाइल में चेंज हो गया। ठीक है, अभी हमें नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, तो हम इसे अंडू कर देंगे तो वापस से वही आ जाएगा। फिर से कोई स्टाइल चेंज करना है तो हम किसी पे भी जाके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे यहां से हम लोग स्टाइल चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम किस तरह से हम इसका साइज चेंज करते हैं। तो साइज के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे जहां पे ये नंबर है, बाय डिफॉल्ट होता है 11, ये वाला साइज बाय डिफॉल्ट हमको ये वाला साइज मिलता है। इसके अलावा हमें जो भी साइज चूज करना है उस पे हम इस तरह से नंबरिंग पे लेकर जाएंगे और अपने स्टाइल साइज को चेंज करते रहेंगे। तो इस तरह से हम जितना मर्जी चाहे साइज को चेंज कर सकते हैं। नाउ आई हैव डन द फॉर 16, अभी मैं 20 करती हूँ, तो देखो 20 पे ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट पे कलरिंग करनी है, कलरिंग कैसे होती है, यहां से ये देखो ये होता है हमारा फॉन्ट कलर। देखो इस यहां से हम लोग कलर्स को चेंज करते हैं, यहां पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास। जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करेंगे, देखो सिलेक्ट करना यानी सिर्फ उस पर क्लिक करना, अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ मूव करके। देखो जिस भी कलर को हम लोग जिस भी कलर पे जा रहे हैं, देखो जैसे इस पे आए मरून हो गया, रेड पे आए रेड हो गया, इस तरह से कलर्स चेंज होते जाते हैं। देखो जो भी कलर हमको चाहिए हम यहां से करेंगे, और अगर हमें जो भी पसंद आ रहा है उस पर जस्ट हमें क्लिक करना है। जैसे मैंने रेड पे क्लिक कर दिया तो देखो रेड कलर में ये हमारा वर्क हो गया। और दूसरी चीज है, इसको सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेकेंडली हम इस पे क्या करेंगे, हाइलाइशन लगाएंगे यानी हाईलाइट करेंगे। इस पे क्लिक किया, हाईलाइट मतलब होता है देखो अभी यहां पे हमने क्या किया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, जो हमने लिखा है उसका कलर चेंज हुआ है। और हाईलाइट का मतलब होता है कि अलग से ये हमें बोल्ड दिखाई देगा, देखो जैसे इस तरह से अलग से ये हमें हाइलाइटेशन में दिखाई देगा। जैसे देखो सी इस तरह से हमारे ये कलर हाईलाइट में आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमको चाहिए, देखो जैसे हाईलाइट हो गया, तो अब यहां से हम इस पे अंडू कर सकते हैं। सी इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से हमारे टेक्स्ट को हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में चेंज करते हैं। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, देखो बोल्ड मतलब होता है कि जैसे अभी जो फॉन्ट आप देख रहे हो जिस तरह से कि ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है ना, तो ये अभी हमने बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको नॉर्मल पोजिशन पे लेके आती हूँ तो ये नॉर्मल इस तरह से हमको दिखाई देगा। ठीक है, और इसको बोल्ड करने का मतलब होता है कि किस तरह से इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देखो फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ये वाले फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे ये बी आई और यू बने हुए हैं, तो बी का मतलब होता है बोल्ड, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बोल्ड के आगे इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी,
कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करेंगे अगर हम, तो ये बोल्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही आई इटैलिक, यानी इससे थोड़ा सा स्लैंट हो जाएगा लाइन, हमारे जो टेक्स्ट है वो टिल्ट हो जाएंगे, स्लैंटिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इटैलिक का मतलब है कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन यू का मतलब है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब है कि इन सब टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी, और इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस यू। तो अब हम करते हैं बोल्ड। जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बी पे हमने क्लिक किया, देखो हमारा टेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया अलग से। आई करते हैं तो देखो आप, ये हमारा टेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन पे आ गया, देखो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े पोजीशन पे आ गए हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हियर कि अभी मैंने यहाँ पे बोल्ड पे भी क्लिक किया हुआ है और इटैलिक पे भी क्लिक किया हुआ, यानी अभी हमारा क्या है, ये दोनों चीजें सिलेक्टेड है, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। अगर हम बोल्ड को हटाना है हमें, तो बस बोल्ड के ऊपर जाके क्लिक करना है, तो अब देखो बोल्ड हट गया और सिर्फ इटैलिक सिलेक्टेड है। बोल्ड पे भी क्लिक करना है तो हम इसको भी कर सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो हम तीनों को एक साथ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन पे करना है तो अब देखो तीनों के नीचे अंडरलाइन भी आ गया। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट केसेस की, कि केसेस क्या होते हैं। देखो केसेस मतलब होते, केसेस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। जैसे देखो सपोज हमने यहां पे एक न्यू लाइन लिखी, जैसे मैंने लिखा आई लव माय पेरेंट्स, ठीक है, ये हमने लिखा आई लव माय पेरेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका साइज चेंज किया सी, ठीक है, इसका साइज चेंज हो गया, ये थोड़ा सा बिग पोजीशन पे आ गया, और मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, अभी आपको अलग से दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि आई लव माई पेरेंट्स आपको कैसे दिख रहा है, आई कैपिटल में और बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे हैं स्मॉल, ठीक है। तो ये जो केस है वो है सेंटेंस केस, क्योंकि नॉर्मली जब हम लिखते हैं अपने कॉपीज पे तो ये सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस को अगर हमें, अब सेंटेंस को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देखोगे यहां पे पैराग्राफ ग्रुप में ये फर्स्ट वाले पे सिलेक्टेड है, तो ये वाला जो अलाइनमेंट है ना ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कि जो कुछ भी हम लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है तो अभी हम लोग लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, और नॉर्मली अगर हम किसी भी कर्सर को कहीं, हम कर्सर को कहीं पर भी लेके जाएंगे तो वो लेफ्ट पोजीशन पे ही आएगा। अगर मैं इसको सेंटर पे ले जाऊं, ये वाला जो पोजीशन है सेकंड वाला, ये है हमारा सेंटर का, ठीक है, इसको सेंटर पे लेके जाएं तो देखो कर्सर हमारा कहां ब्लिंक हो गया, सेंटर से। और अगर मैं कुछ भी लिखूं अब यहां पे, तो अभी मैं देखो क्या लिख रही हूं, आई लव माई पेरेंट्स, तो देखो ये अब सेंटर पोजीशन से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग इसका अलाइनमेंट सेट करते हैं। ये था लेफ्ट अलाइनमेंट, ये वाला लेफ्ट अलाइनमेंट से कि सब कुछ लेफ्ट साइड से आएगा। नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट है कि सब कुछ सेंटर से आएगा। उसके बाद है राइट अलाइनमेंट, अब देखो कर्सर हमारा यहां पे है, ठीक है, नॉर्मली अभी कर्सर यहां पे है हमारा, ठीक है। अब मैं इसको इस वाले पे, थर्ड वाले पे राइट पे लेके जाती हूँ, राइट पे देखो अब जो कर्सर है वो हमारा राइट साइड पे आ गया, यानी अब अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो राइट साइड से लिखता हुआ आएगा सी। इस तरह से हमारा जो कुछ भी फॉन्ट है वो हम लिख सकते हैं। और देखो जस्टिफाई का मतलब है कि दोनों चीजें दोनों साइड से ये इक्वल पोजीशन पे आएगा। जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये पूरा सिलेक्ट कर दिया, अभी आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट से है, ये सेंटर से है, ठीक है। तो अब मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया, तो अब देखो तो जस्टिफाई पे यहां पे देखो यहां से ये इक्वल पोजीशंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने किया कि किस तरह से साइज को हम लोग चेंज करते हैं, किस तरह से हम लोग स्टाइल चेंज करते हैं, कैसे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करेंगे, कलरिंग चेंज करना, ओके।